ओ माय गॉड, कितना सुंदर आपको दिख रहा है। बहुत ही स्पॉन्जी है, आप देख रहे होंगे कि ये कितना फूला है, बहुत ही फ्लफी है। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, माय नेम इज नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली, और वो भी विदाउट इडली स्टैंड के, इडली मेकर के। बहुत ही स्पॉन्जी है और बहुत ही झटपट बनता है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो जरूर देखें और इसके बाद आपकी सूजी की इडली कभी भी खराब नहीं होगी और 110% फूलेगी और टेस्टी बनेगी। तो आइए देखते हैं झटपट मैंने ये इडली विदाउट इडली मेकर के कैसे बनाया। इडली बनाने के लिए चाहिए हमें 1 कप सूजी, ये 250 ग्राम्स होगा, 4 से 5 टेबल स्पून लेकर्ड पानी आवश्यकता अनुसार, इनो का 1 सैसे चाहिए 1 कप के लिए, और मैंने इसमें निकाल लिया है, और हमें चाहिए होंगी कुछ कटोरिया। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये सूजी इडली बनेगी। आइए बनाते हैं हम सूजी इडली। अब एक बोल लेंगे और उसके अंदर डालेंगे हम ये सूजी, ये दही, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हम इसका एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे पानी एक साथ ना मिलाएं, अदरवाइज जो ये सूजी का मिक्सचर है वो गीला हो जाएगा तो आपकी इडली अच्छे नहीं बनेंगे। पूरे वीडियो जरूर ध्यान से देखें क्योंकि मैं छोटी छोटी टिप्स दूंगी जिसकी वजह से आपका इडली जरूर फूलेगा। मुझसे कई व्यूवर्स ने ये क्वेश्चन किया है कि उनकी सूजी इडली फूलती नहीं है, तो मैं इसमें सारे टिप्स आपको बताऊंगी। अब आप ये देख रहे होंगे कि थोड़ा सा पानी मैंने मिलाया और दही का ये गाढ़ा थिक मिक्सचर रेडी हो गया। अब इस स्टेज पे थोड़ा पानी मैं और डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, और मैं तो यहाँ पे 1 कटोरी के नाप से बता रही हूँ, लेकिन आप चाहे जितना भी बनाना हो ना, आप बस इस तरीके से बनाएंगे तो आपका कभी भी सूजी इडली खराब नहीं बनेगा, फूलेगा हमेशा। और इस तरीके से मैंने ये सारा कुछ मिला दिया। अब हमें करना क्या है कि इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट होने रखेंगे, बस उतनी देर रखेंगे जितनी देर की हमारा स्टीमर बनके रेडी होगा। आइए अब हम अपना घरेलू स्टीमर तैयार कर लेते हैं। एक भगोना लेंगे और उसके अंदर मैंने 1.5 ग्लास पानी डाला है, और इसके ऊपर हम घर में मौजूद कोई भी जाली वाली थाली ले सकते हैं, या इसको छन्नी बोलते हैं दूध ढकने वाली, आप इसको भी इसके ऊपर रख सकते हैं। और इसको अब हम गर्म होने देंगे, इसको रख करके तकरीबन 5 से 10 मिनट, जब तक कि एक उबाला ना आ जाए, और जब तक ये उबाला आ रहा है हम अपनी इडली तैयार कर लेते हैं। इडली के सांचे के बिना हम ये बना रहे हैं इस कटोरी में, तो हम इस तरीके से 1 कटोरी लेंगे और उसमें फ्यू ड्रॉप हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस तरीके से, बहुत ही थोड़ा सा, और उसको ग्रीस कर देंगे इस तरीके से। ग्रीसिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी इडली चिपक जाएगी। जब हम सांचे में भी बनाते हैं ना, इडली का जो सांचा आता है उसको भी हमें ग्रीस करना होता है, तो ठीक उसी तरीके से ये कटोरी भी हम ग्रीस कर लेंगे। और इस तरीके से मैंने सारी कटोरियां ग्रीस कर ली हैं। अब इसको हम साइड में करेंगे, और ये जो बोल में हमने ये मिक्सचर सूजी का तैयार किया था इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक करेंगे क्योंकि बहुत गाढ़ी है अभी, और एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, ये देखें। और 250 ग्राम सूजी में 4 से 5 टेबल स्पून पानी लगा और इतना बच गया। अब जबकि हम इडली बनाने जा रहे हैं, सब कुछ मिलाने के बाद लास्ट में हम इसमें इनो ऐड करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि इनो मिलाने के बाद ही बहुत ही हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप इनो मिलाएंगे आप देखेंगे कि जो मिक्सचर है वो बहुत ही हल्का होने लगेगा और फ्लफी होने लगेगा। आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है और ये बहुत ही हल्का बैटर अब हो गया है। मैं यहाँ पे एक और टिप देना चाहूंगी कि इनो डाल के कभी भी रखे नहीं। अगर आपको इडली सुबह ब्रेकफास्ट में बनानी है और आप चाहते हैं कि इडली का ये सारा मिक्सचर तैयार कर लें और सुबह का टाइम बचे, तो आप सब कुछ मिक्स करके रखें, लेकिन इनो ना मिलाएं। इनो तभी मिलाएं जब आपको इडली बनानी हो तुरंत। बस ये मिक्स हो गया हमारा, और अब हम इन कटोरियों में आधा आधा डालेंगे, हमको पूरा नहीं भरना क्योंकि ये फूलेगा। बस इस तरीके से टैप कर दें थोड़ा सा, और इसी तरीके से हमें सारी कटोरियों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है। हमने 1 कटोरी में 3 टेबल स्पून के करीब डाला है, ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये धुआं निकल रहा है ऊपर से, और अब हम ये कटोरियां रख देंगे इस तरीके से, चारों कटोरियां इसके अंदर रख देंगे। और अब क्या करना है हमें, कोई थाली ले लें या प्लेट ले लें, इस तरीके से प्रॉपर ढकना है हमको,
ये देखिए मैंने एक थाली से इसको ढक दिया है और अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे और इस समय हीट हमारा लो टू मीडियम रहेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये भगोना या पतीला रखा है ना, आप इसकी जगह पैन भी रख सकते हैं और उस पैन में भी पानी डाल के आप कोई जाली वाला प्लेट रखें और उसके ऊपर भी आप ये कटोरी रख के इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं बिना सांचे के आप बना सकते हैं। 15 मिनट हमें यहाँ रुकना है और मैं दिखाऊंगी कि इसको आप कैसे चेक करेंगे कि हमारी इडली बन चुकी है। अभी 12 मिनट हो चुका है, अब इसे हम हटा के देखेंगे, लेकिन बहुत सावधानी से हटाएं, ये बहुत गर्म होगा। इस तरीके से हटाएंगे हम और अब हम एक शार्प नाइफ की हेल्प से इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे। अगर ये नीट एंड क्लीन निकलता है, इट्स मीन की इडली तैयार है। और गैस को अब हम बंद करेंगे और थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। थोड़ा ठंडा हो चुका है, बहुत ठंडा नहीं है, ठंडी हो जाएगी इडली तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, नाइफ की हेल्प से हमें सारे कटोरियों का इस तरीके से एजेस साइड से हटा देना है ताकि ये इजिली डीमोल्ड हो पाए। और मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर आप बहुत गरम गरम इडली डीमोल्ड करेंगे ना तो नीचे से वो पूरा अच्छे तरीके से निकल नहीं पाएगा और आपकी इडली अच्छे से नहीं निकलेगी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि थोड़ा इसको ठंडा जरूर हो जाने दें। अब देखिए मैं आपके सामने इसको निकालूंगी, एक प्लेट लेंगे और इसको ना इस तरीके से ऊपर से टैप करें, इस तरीके से एक लाइक बनता है, प्लीज थम्स अप जरूर दें, शेयर करें नलिनीज किचन के इस वीडियो को। और ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, आप ये देख रहे होंगे, हमने इडली बनाई बिना सांचे के और आप देख रहे होंगे परफेक्ट शेप आया है। तो फ्रेंड्स जरूर शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें नलिनीज किचन में। मैंने इसको सर्व किया है गर्मा गर्म, 10 मिनट के अंदर ये सांभर बना है और इसका मैं लिंक नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां देख सकते हैं मैंने 10 से 15 मिनट में ये सांभर कैसे बनाया। और ये होममेड चटनी है, सांभर के साथ खाई जाती है और इस चटनी का भी लिंक मैं आपको दे दे रही हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। इंस्टेंट चटनी ये बनती है, आधे घंटे के अंदर ये सारा कुछ बन के रेडी हो जाता है।